जशपुर से रायपुर लौटे सीएम बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। दिल्ली दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज राहुल गांधी की ईडी में पेशी है, दिल्ली दौरे पर जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कोई बात नहीं है, इसमें ईडी का कोई काम नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल और सोनिया गांधी को परेशान किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड के लिए लिया गया था पैसा, ये लड़ाई सत्ते की लड़ाई है। पहले पूर्वज अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और अब इनके खिलाफ लड़ेंगे। ईडी में पीसी है, एआईसीसी से हम लोग सब जाएंगे। ये ऐसा मसला है जो केंद्र सरकार विपक्षियों को ईडी आईटी सीबीआई इन सब पे सबका दुरुपयोग करते हुए विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। नेशनल हेराल्ड को राशि दी गई थी कांग्रेस पार्टी। नेशनल हेराल्ड के बारे में जानते हैं, नेहरू जी ने स्थापित किया, सरदार पटेल, पंत जी, आचार्य जी, इन सब लोगों ने इसकी स्थापना की। आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ यह अखबार जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती थी, उस अखबार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, कांग्रेस पार्टी ने उसे परिचालित किया।